हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है लायोफिलाइजेशन इन वैक्सीन प्रोसेसेस। ये पार्ट वन है जिसमें हम लायोफिलाइजेशन का बेसिक पढ़ेंगे। लायोफिलाइजेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि बहुत ही कम टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर पे किसी भी कंपाउंड से मॉइस्चर को इवेपोरेट किया जाता है। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में लायोफिलाइजेशन का क्या रोल है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लायोफिलाइजेशन का इंट्रोडक्शन। लायोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग इज अ स्टेबलाइजिंग प्रोसेस इन विच अ सॉल्यूशन इज फ्रोजन and the water or solvent is removed from the solid state through sublimation and desorption process। होता क्या है, लायोफिलाइजेशन का एक दूसरा नाम भी है जिसको कि हम फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। ये एक स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन है आपका, इस सॉल्यूशन में आपका कोई भी कंपाउंड है, आप क्या करते हैं लायोफिलाइजर में इसको रखते हैं। यहाँ पे पहले इसको फ्रीज किया जाता है। फ्रीज करने के बाद में इसका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू। फिर इसका डिसॉर्प्शन किया जाता है और आपको आपका कंपाउंड मिल जाता है एकदम पार्टिकल फॉर्म में, एकदम ड्राई स्टेट में। तो ये लायोफिलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। This process is used throughout the pharmaceutical biotechnology industry in order to raise the allowed product storage temperature, increase shelf life and or minimize the impact of temperature excursions during shipping and storage. इस प्रोसेस का बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रोल है। ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट के स्टोरेज टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इसके साथ ही साथ इसके सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करना है तो अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह उसको कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड ही करवा सकें। तो ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट के स्टोरेज टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे कि आप ज़्यादा टेम्परेचर पर भी अपने प्रोडक्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, मतलब आपका प्रोडक्ट लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। एज वेल एज मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कम कर देता है किसी भी प्रोडक्ट पे ड्यूरिंग शिपिंग एंड स्टोरेज। जब शिपिंग हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह या फिर स्टोर करके रखा होता है, तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है ये उसको भी कम कर देता है। लायोफिलाइजेशन प्रोसेस समरी, यहाँ पे हम समरी देखते हैं किस तरीके की प्रोसेस होती है। यहाँ पे ये फ्लो डायग्राम दिखाया गया है। प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, फॉर्मुलेशन, फिलिंग, लायोफिलाइजेशन एंड फिनिशिंग। बेसिकली ये तीन चार स्टेप्स हैं, लेकिन इन तीन चार स्टेप्स के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप फॉर्मुलेशन करते हैं। फॉर्मुलेशन में क्या क्या आता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आते हैं, डाइल्यूटेंट आते हैं, एक्सीपिएंट्स आते हैं, एडजुवेंट्स जो भी होगा फॉर्मुलेशन में वो आएगा। इसकी फिलिंग की जाएगी, लायोफिलाइजर में आप रख देते हैं। फिर क्या होगा, वहाँ पर इसकी फ्रीजिंग होती है। फ्रीजिंग कितने स्टेप्स में होती है, पहले फ्रीजिंग के बाद में प्राइमरी ड्राइंग होगा, फिर सेकेंडरी ड्राइंग होगा, उसके बाद में स्टॉपरिंग, कैपिंग एंड इंस्पेक्शन। तो ये एक ओवरव्यू है पूरी प्रोसेस का कि लायोफिलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या क्या है। अभी जैसे हमें वैक्सीन का लायोफिलाइजेशन करना है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। द एक्टिव बल्क वैक्सीन इज मिक्स्ड विद द अप्रोप्रिएट डाइल्यूएंट, एक
अप्रोप्रिएट डाइल्यूएंट के साथ में और एक्सीपिएंट्स के साथ में बल्क वैक्सीन को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स आर एडेड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं कि कुछ भी मात्रा में ले लिया, एक इनका प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए जिसमें कि इनको ऐड किया जाएगा। प्रोपोर्शन टू डाइल्यूट द प्रोडक्ट टू इट्स टारगेट पोटेंसी एंड प्रोवाइड एन ऑप्टिमल एक्सिपिएंट कंसेंट्रेशन फॉर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ड्यूरिंग ग्रोथ प्रोसेसिंग एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ये जो प्रोपोर्शन होगा वो इस तरीके से होता है कि जो प्रोडक्ट आप लायोफिलाइज करके बनाने जा रहे हैं उसकी टारगेट पोटेंसी तक पहुँचे और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को, चाहे वो स्टोरेज हो चाहे प्रोसेसिंग हो, दोनों के दौरान बना के रखे। तो ये फ्लो डायग्राम है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे डिटेल में बड़ा करके भी मैं दिखा रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको लार्ज स्क्रीन पर भी मैं दिखा रही हूँ आपको। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मुलेशन किया, फिलिंग की, फिलिंग के बाद में फ्रीजिंग की जाती है, फ्रीजिंग के बाद में ड्राई किया जाता है जो कि डिसॉर्प्शन की फेज होती है। इसमें प्राइमरी ड्राइंग होती है, फिर सेकेंडरी ड्राइंग होती है, इसके बाद में स्टॉपरिंग होती है, कैपिंग होती है, फिर इंस्पेक्शन कर लिया जाता है। तो ये टोटल स्टेप्स हैं जो कि लायोफिलाइजेशन की प्रोसेस में होती है। हालांकि मेन लायोफिलाइजेशन इतना ही है जिसमें कि ये फ्रीजिंग वाला प्रोसेस है और ड्राइंग है, दैट इज सब्लिमेशन और डिसॉर्प्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब लायोफिलाइजेशन करते क्यों हैं, इसके क्या फायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लायोफिलाइजेशन, सो लेट अस सी। कंपेयर्ड टू अ वैक्सीन इन एक्वस फेज, द फ्रीज ड्राइड सॉलिड स्टेट केक डिमॉन्स्ट्रेट्स सिग्निफिकेंटली स्लोअर डिग्रेडेशन काइनेटिक्स। जो वैक्सीन्स एक्वस फेज में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, वो वैक्सीन्स इजिली डिग्रेड हो जाती हैं, लेकिन अगर वही फ्रीज ड्राइड फॉर्म में हैं, लायोफिलाइज करके उनको सॉलिड स्टेट में रख लिया गया है, तो उनमें ये देखा जाता है कि डिग्रेडेशन काइनेटिक्स स्लो हो जाती है, डिग्रेडेशन की रिएक्शंस काफ़ी स्लो हो जाती हैं। दिस स्टेबिलाइजेशन अलाउज द प्रोडक्ट टू बी स्टोर्ड एट वार्मर टेम्परेचर्स देन वुड अदरवाइज बी पॉसिबल। ये प्रोसेस जो होती है ये स्टेबलाइज कर देती है जो वैक्सीन बन के रेडी हुई है, ताकि उसको वार्मर टेम्परेचर्स पे स्टोर किया जा सके, जो कि बिना लायोफिलाइजेशन के पॉसिबल नहीं हो पाता। मेनी वैक्सीन्स आर सिंपली नॉट स्टेबल इन सोल्यूशन, बहुत सी वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो कि सोल्यूशन में स्टेबल नहीं होती, इवन अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस। उनको अगर 2-8 डिग्री में भी रखते हैं तब भी वो सोल्यूशन में स्टेबल नहीं होती हैं। इवन फॉर मोर स्टेबल सोल्यूशंस द स्टेबिलिटी में बी सच दैट द अलाउड सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, the time between when the product is manufactured until it must be used is too restricting for commercial distribution and use. काफ़ी टाइम्स ये भी देखा जाता है कि जो स्टेबल सॉल्यूशंस भी होते हैं तो उनकी भी स्टेबिलिटी कुछ ऐसी होती है कि वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, कि वो एक लिमिटेड कंडीशन में ही स्टेबल रह सकते हैं। अगर उनकी कंडीशंस इधर से उधर होती हैं तो सेल्फ लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ पर भी इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली लिमिटिंग अ वैक्सीन टू फ्रोजन स्टोरेज कंडीशंस, अगर किसी भी वैक्सीन को फ्रोजन स्टोरेज कंडीशन में लिमिट कर दिया जाए, जैसे कि उसको -20 में ही रखना है,
ऑल्सो ग्रेटली लिमिट इट्स कमर्शियल अवेलेबिलिटी, क्योंकि अगर -20 में ही स्टोर करके रखना है तो -20 हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकता, एक का लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी। जहाँ पे -20 डिग्री का फ्रीज़र है आपको वहाँ पे मिलेगा, हर एक जगह पे वैक्सीन नहीं मिल सकता, तो ये भी बहुत लिमिटेड हो जाता है। एज द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर शिपिंग एंड स्टोरिंग अ वैक्सीन अंडर फ्रोजन कंडीशंस इज मोस्टली लिमिटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ज़्यादातर US में अगर बात करें तो बहुत लिमिटेड है, वहीं पे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में उनको इस तरीके से स्टोर करके रखा जा सके। इन दीज केसेस लायोफिलाइजेशन इज द ओनली वायबल मीन्स फॉर मेकिंग सच अ वैक्सीन प्रोडक्ट कमर्शियली अवेलेबल। इन सारी कंडीशंस में लायोफिलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जो कि वैक्सीन्स को कमर्शियली अवेलेबल कराती है, इजिली हर एक जगह पे अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज भी नहीं चाहिए है, और वो इजिली सर्वाइव कर जाती है। अगर टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर जैसा कि हमने देखा बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता है अगर लायोफिलाइज्ड वैक्सीन है तो। तो अभी फ़ायदे तो हमने देख लिए बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ हो उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, एक बैक साइड भी सबका होता ही है। तो कुछ ड्रॉबैक्स लायोफिलाइजेशन के भी हैं, जैसे कि चलिए देखते हैं। इन कंपैरिजन टू अ लिक्विड स्टेट प्रोडक्ट, लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट नॉट ओनली रिक्वायर्स द सेम फॉर्मुलेशन, फिलिंग इक्विपमेंट एंड प्रोसेसिंग स्टेप, बट ऑल्सो रिक्वायर्स द एडिशनल यूनिट ऑपरेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग एज वेल एज द यूनिक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट द अपियरेंस ऑफ द लायोफिलाइज्ड केक। लायोफिलाइज्ड अगर वैक्सीन है और एक लिक्विड स्टेट में है, तो जो लायोफिलाइज्ड है उसको भी वही सारी चीज़ें चाहिए होंगी कि फॉर्मुलेशन सेम रहे, क्योंकि लिक्विड स्टेट में फॉर्मुलेशन उसका कुछ है, आपने लायोफिलाइज किया तो चांसेस हैं कि वो चेंज हो जाए, तो वो सेम होना चाहिए। तो ये भी चैलेंज है कि फॉर्मुलेशन को सेम कैसे रखा जाए, फिलिंग इक्विपमेंट भी चाहिए, प्रोसेसिंग स्टेप्स भी सेम चाहिए, लेकिन एडिशनल फ्रीज ड्रायर उसको चाहिए। फ्रीज ड्राई करने के लिए लायोफिलाइजर होता है, फ्रीज ड्रायर होता है जो कि अलग ही इक्विपमेंट होता है, और इसके अलावा जो लायोफिलाइज्ड केक बन के रेडी हुआ है, लायोफिलाइज होके आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ है, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, उसके इंस्पेक्शन के लिए भी अलग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं लायोफिलाइजेशन के, कि आपको ऐसी यूनिक चीज़ें चाहिए जो कि हर जगह पे अवेलेबल नहीं भी हो सकती हैं। लायोफिलाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स फार मोर इफर्ट एंड टाइम ड्यूरिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट देन अ लिक्विड स्टेट प्रोडक्ट। अगर नॉर्मल लायोफिलाइजेशन की बात करें तो लगभग 24 घंटे लेता है, छोटा सा भी अगर आपने जरा सा भी प्रोडक्ट रखा तो कम से कम उसको 24 घंटे चाहिए, तो इसके लिए बहुत प्रोसेस, बहुत इफर्ट चाहिए होता है। लिक्विड स्टेट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। अदर कंसर्न्स रिलेट टू द इफेक्ट ऑफ द लायोफिलाइजेशन प्रोसेस ऑन द वैक्सीन, एज मेनी वैक्सीन्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट पोटेंसी लॉस ड्यूरिंग द फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस। ये भी देखा जाता है कि काफ़ी वैक्सीन्स में पोटेंसी लॉस हो जाता है फ्रीज ड्राइंग के दौरान, क्योंकि लिक्विड स्टेट में उसका फॉर्मुलेशन कुछ और है, शायद वो जब लायोफिलाइज हुआ तो उसका फॉर्मुलेशन चेंज हो गया, तो अगर फॉर्मुलेशन में कोई भी चेंज होता है तो ऑब्वियसली उसकी पोटेंसी, उसकी इफेक्टिवनेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इन एडिशन टू द एडेड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ मेथोडोलॉजी फॉर इंस्पेक्टिंग द फ्रीज ड्राइड वायल्स। जो फ्रीज ड्राई होके वायल्स तैयार हुई हैं वैक्सीन्स की, उनके इंस्पेक्शन के लिए एक स्पेशल मेथोडोलॉजी, स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहिए होती है लायोफिलाइजर को।
Lyophilized product also require several additional release tests for attributes such as residual moisture and product reconstitution time. Time बहुत ज़्यादा लगता है और जो residual moisture है कि अगर lyophilize होने के बाद भी कुछ उसमें moisture बच गया या product reconstitution में time लग गया तो ये चीज़ें भी एक drawback हैं lyophilizer का. These lyophilization specific needs add to the cost of the product and to the overall manufacturing cycle time. ये जो special चीज़ें चाहिए होती हैं lyophilizer के लिए तो ये overall cost को भी बढ़ा देंगी, क्योंकि manufacturing में time लग रहा है, manufacturing की process में cost ज़्यादा लग रही है, तो obviously जो product बन के ready होगा उसकी भी cost ज़्यादा होगी. और जैसे कि मैंने बताया lyophilization के लिए अगर आप छोटा सा batch भी रखते हैं तो कम से कम उसको 24 घंटे लगते हैं, तो ये manufacturing time को बढ़ा देता है. Lyophilized products are reconstituted with a diluent before administration, which presents a further drawback. अभी जो lyophilized product है उसको से आपको किसी में डिसॉल्व करना पड़ता है, जैसे कि वैक्सीन है तो वैक्सीन आप पाउडर फॉर्म में नहीं देंगे, आपको लिक्विड फॉर्म में लानी पड़ेगी, तो उसके लिए आप फिर से आप डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करने पे अगर कहीं उसका फॉर्मूलेशन चेंज हो गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तब तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये भी एक ड्रॉबैक है. यूज़ क्या क्या है लायोफिलाइजेशन का वैक्सीन इंडस्ट्री में? फॉर ऑल ऑफ द रीजंस डिस्कस्ड प्रीवियसली अ लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट इज ओनली परस्यूड व्हेन अ स्टेबल लिक्विड फॉर्म कैन नॉट बी सक्सेसफुली डेवलप्ड. ऐसा होता है कि लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट की तब ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पे स्टेबल लिक्विड फॉर्म को डेवलप नहीं किया जा सकता. दिस इज द केस फॉर मेनी वैक्सीन प्रोडक्ट्स. ज़्यादातर वैक्सीन प्रोडक्ट्स के लिए ये चीज़ देखी जाती है. ओइंग टू द बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल नेचर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स स्टेबल लिक्विड फॉर्मुलेशंस आर नॉट फिजिबल. अगर प्रोडक्ट्स के बायोफिजिकल और बायोकेमिकल नेचर को देखते हुए बात करें तो स्टेबल लिक्विड फॉर्मुलेशंस फिजिबल नहीं होते हैं. हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द स्कोप ऑफ लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट्स इज नॉट लिमिटेड टू बायोलॉजिकल एंटिटीज़. ये नोट करने वाली बात है कि जो लायोफिलाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत जगह पे इसका यूज़ किया जाता है. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन अवर हेल्पलाइन नंबर 7080833450 और यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट www.itlsacademy.com. सो अगेन थैंक यू वेरी मच एवरी वन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.